ठीक है, सिट डाउन। देखिए ट्रिगोनल नंबर 1 के हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यूनिट नंबर 12 है, नाइन्थ क्लास है। लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि लाइन को बाइसेक्ट यानी कि हाफ करने वाले और एंगल को हाफ करने वाली जो लाइंस होती हैं, इस चैप्टर के अंदर हम वो स्टडी करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले आपको एग्जाम में स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट में आपने गौर करना है कि कोई भी पॉइंट राइट बाइसेक्टर ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी कि ये पॉइंट है पी, ये राइट बाइसेक्टर है जो कि इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये पी एम एल एम, एल एम एक लाइन है जो कि राइट बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर, ठीक है। और पी जो है ना इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है पी, तो कह रहा है कि जो पॉइंट है पी राइट बाइसेक्टर के ऊपर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वल फासले के ऊपर है, यानी कि पी ए से और पी बी से इक्वल फासले के ऊपर, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड पॉइंट्स वो इसको कह रहा है, ए और बी को एंड पॉइंट्स कह रहा है। तो बेटा सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर हम ये देखें, जो राइट बाइसेक्टर होता है वो 90 डिग्री के एंगल बना रहा होता है, जो वर्टिकल और स्ट्रेट लाइन होती है, ये वो शो किया गया। और यहाँ पे ये शो किया गया कि ये डिस्टेंस आपस में इक्वल, यानी कि ए सी और सी बी आपस में इक्वल होगी अगर ये राइट बाइसेक्टर है और अगर ये इसके मिड पॉइंट से गुजर रहा है। आगे गिवन में हम लोगों ने सेम स्टेप्स ऐसे ही होने करने होते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं कि जो आपके यूज होंगे, जैसे कि थोड़ा सा देखिए पास आके इसको चेक कर ले इसको, पर थ्योरम के जो सिंबल्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए बेटा। इसको पढ़ते हैं, इस परपेंडिकुलर टू, इसको डिग्री, और ये जो थ्री डॉट्स होते हैं देयरफॉर, ये वाले थ्री डॉट्स जो एक डॉट नीचे होता है उसको सिंस, इस डबल जो लाइन है इस पैरेलल टू, और ये जो साइन है एरो बने हुए हैं इसको कोरस्पोंडेंस, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दिस साइन इज कोग्रेंट टू एंड इज सिमिलर टू ए बी के ऊपर जो लाइन है इस लाइन ए बी, ये ए बी के ऊपर एक सिंगल एरो बना हुआ है एक तरफ, ये रे ए बी, ये ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, मेजर ऑफ लाइन ए, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और ये है मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक हो गया। ये 15 पॉइंट्स हो गए, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम गिवन में देखते हैं, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन एल एम है ये इंटरसेप्ट करती है, यानी कि इसको हाफ ऑफ करती है ए बी वाली लाइन को एट पॉइंट सी, सी पर, सच दैट एल एम परपेंडिकुलर ए बी, एल एम क्या है स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो एल एम को हम कैसे पढ़ते हैं, लाइन एल एम, और इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये हमारा जो है ना वो यहाँ पे बताया गया था, खाली जो लाइन है वो ये मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसको पढ़ते हैं मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, एंड ये देखिए इसको पढ़ते हैं मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, ये हमें पहले से गिवन है कि ए सी और बी सी आपस में इक्वल है, ए सी और बी सी आपस में इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर जो है ना वो मिड पॉइंट में से गुजर रहा है, तो इसलिए पता चलता है कि ए सी और बी सी इक्वल है। पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम, पी कहाँ पे, एल एम के ऊपर एक पॉइंट है, ये गिवन में हमें सारा उसने बता दिया। और हमने प्रूव क्या करना है कि पी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट पी बी, यानी कि ये पी ए का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस के इक्वल है। तो अब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हमने क्या किया इसके अंदर, हमने बेटा ये डॉटेड लाइन के साथ पी को ज्वाइन कर दिया ए और बी पॉइंट्स के साथ, ये देखें ए के साथ ज्वाइन कर दिया और बी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब लास्ट हमारा प्रोसेस रह गया 2 और 3 मिनट्स का काम है, प्रूफ हमने प्रूफ क्या करने, स्टेटमेंट्स और रीजंस हमने बतानी है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये जो लाइन बाय सेक्टर है ना इसकी वजह से ये टू ट्राइंगल्स बन रही हैं, ऐसे ही अगर हम ये साबित कर देंगे कि ये टू ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये भी साबित हो जाएंगे कि जो है ये
डिस्टेंस ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। तो चलिए देखते हैं, हम पहले बताएंगे इन ट्राइंगल ए सी पी कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल बी सी पी। ए देखे ए सी पी एक ट्राइंगल, बी सी पी दूसरी ट्राइंगल, ये टू ट्राइंगल हमारे पास आ रही है, ए सी पी और बी सी पी, ये टू ट्राइंगल हमारे पास आ रही है। अब इन ट्राइंगल्स के हवाले से बात हो रही है, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी, तो ये देखें ये दोनों आपस में ए सी और बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल है, ये हमें कहां से पता चला था, गिवन में से। अब आगे एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी पी, ये वो क्या कह रहा है बेटे, ये देखें ए सी पी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बी सी पी ये वाला एंगल, वो कह रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो इसके साथ हम देखेंगे गिवन, ये मैं इसकी रीजन क्या बतानी है कि पी सी जो है पी सी वाली लाइन परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, सो डैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है पी सी वाली लाइन, तो इस जो परपेंडिकुलर होती है वो कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री का, तो इसलिए यहाँ पे हमने बता दिया कि ये सी के ऊपर 90 डिग्री है। और फिर हम बताएंगे कि ये जो पी सी वाली लाइन है पी सी ये वाली लाइन, ये इस ट्राइंगल के अंदर भी आती है और इस ट्राइंगल के अंदर भी आती है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये दो ये पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉन्ग्रुएंट पी सी, ये कॉमन है, कॉमन समझते हैं आप कि दोनों के अंदर है। तो देखिए एक हमने बता दिया कि ए सी और बी सी आपस में इक्वल है, यानी कि एक हमने साइड बता दी कि इक्वल है, एक हमने एंगल बता दिया कि इक्वल है, और एक हमने दूसरी आगे वाली साइड बताई पी सी और पी सी ये वाली, ये भी साइड हमने बताई कि इक्वल है। तो कौन सा पोस्टुलेट बन गया, एस ए एस, एस ए एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो टू साइड्स आपस में इक्वल होगी इन दोनों ट्राइंगल्स की और एक एंगल हो गया, तो ये तीन पॉइंट्स हमने बताने थे कि जो है ना ये हमारे आपस में इक्वल हो गए, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। देखिए एक ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इनमें हमने एक कंडीशन बता दी है साइड एंगल साइड, यानी कि टू साइड और वन एंगल इक्वल है, पोस्टुलेट का मतलब कंडीशन है। हमने एंड में बता दिया कि पी ए कॉन्ग्रुएंट पी बी, यानी कि मेजर ऑफ पी ए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, और साथ हम बता देंगे कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये क्या है कोरस्पोंडिंग साइड्स है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड्स है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब कि आपस में ये ट्राइंगल्स इक्वल है, सिमिलर है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से इसको रेडी करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।